हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी मनीषा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हे बेबी। आज का हमारा टॉपिक है, छोटे बच्चे को सर में चोट लग जाता है तो उसे ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से होम रेमेडीज अपनाना चाहिए। हे बेबी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इस वीडियो में बच्चे के लिए बहुत ही यूजफुल जानकारी दी गई है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ओनली ऑन हे बेबी। बच्चे जब 3-4 महीने के हो जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। इस एज में वो क्रॉलिंग करना सीख लेते हैं या पलटने लगते हैं। तो इस टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि वो बेड से गिर जाते हैं और उनके सर में चोट लग जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि सर के चोट को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चे के सर में चोट लगता है और ईयर नोज से ब्लीडिंग आने लगे या वॉमिटिंग करने लगे या बच्चा कंटिन्यू रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है, ऐसे में हमें डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। बच्चे को सर में छोटी मोटी चोट लग जाती है, हेड बम्प हो जाता है। हेड बम्प में बेसिकली चोट लगे हुए जगह में ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है और वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जैसे स्वेलिंग हो जाता है। इससे स्किन डिसकलर हो जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करे तो दाग भी हो सकता है। तो अब मैं बताती हूँ कि हमें कौन कौन से होम रेमेडीज अपनाना चाहिए इनको ठीक करने के लिए। हमें चोट लगे हुए जगह पे तुरंत आइस क्यूब अप्लाई करना चाहिए। 2 या 3 आइस क्यूब को एक साथ हैंकी में रख के आइस पैक बनाएं और चोट लगे हुए हिस्से पे 10 से 15 मिनट तक अप्लाई करें। ऐसे फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर और दूसरा आइस पैक अप्लाई करें। वार्म कंप्रेस, आप हेड बम्प होने पे वार्म कंप्रेस दे सकते हैं। इसके लिए कपड़े ले और 2 या 3 चम्मच सॉल्ट डालें और एक सॉल्ट पैक बनाएं और इसे चोट लगे हिस्से पे दबा के रखें। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार करें, इससे स्वेलिंग कम हो जाएगा। हल्दी, हल्दी में कोकोनट ऑयल डालकर एक लेप बनाएं और इसे चोट लगे हुए जगह पर आप लगाएं। और जब ये सूख जाता है तो इसे गर्म पानी से धो दे, इससे स्वेलिंग कम हो जाता है और चोट लगे हिस्से पे दाग नहीं होता है। कैस्टर ऑयल, आप चोट लगे जगह पे कैस्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल में हनी मिला के चोट लगे हिस्से पे लगा सकते हैं, इससे हेड बम ठीक हो जाएगा। तो ये थे कुछ होम रेमेडीज जिसको आप माइल्ड हेड बम को ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिनके छोटे बेबी हो। और ऐसे ही बेबी केयर के यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हे बेबी को सब्सक्राइब करें।